बच्चों में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा तो गाइस अब ऑप्शंस पे आते हैं दो हमें चेयर फॉर्म दे रखी है दो हमें बोर्ड फॉर्म दे रखी है तो गाइस बोर्ड फॉर्म आर लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दीज ठीक है क्योंकि बोर्ड फॉर्म लेस स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी हायर तो इसको तो थे। अब आते चीयर फॉर्म पे बच्चों चेयर फॉर्म के अंदर हमें ग्रुप्स क्या दे रखे हैं मिथाइल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे बच्चों वन टू एंड फोर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है अब हमें एक और चीज पता है कि नॉर्मली जो हमारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं दे आर मोर प्रेफर्ड एट

ये कौन सी पोजिशन है बच्चों अगेन इक्वेटोरियल दिस इज इक्वेटोरियल क्लियर तो इसमें सारे ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजिशन में लगे हुए हैं व्हाट अबाउट दिस वन इसमें इसको अगर तुम देखो तो ये इक्वेटोरियल पे है इसको देखोगे तो guys, ये एक्सियल पोजिशन पे है दिस मिथाइल ग्रुप इज एट एक्सियल पोजिशन वर्ड अबाउट दिस वन गायस तुम इजिली रिलेट कर सकते हो ये इक्वेटोरियल पे है तो बच्चों बिटवीन दीज टू बिटवीन दीज टू तुम देख सकते हो कि पहले वाले के अंदर सारे ही ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजिशन पे हैं सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल या दिस इज द वन हैविंग लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कि दूसरे वाले में एग्जेक्ट पोजिशन पे भी एक ग्रुप प्रेजेंट है जबकि पहले वाले में सारे आर प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजिशन बच्चों क्लियर गड